भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आज घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण के फार्म हाउस पर पहुंचकर जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। इसके उपरांत भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए हरविंदर कल्याण के फार्म हाउस स्थित निवास स्थान पर पहुंचे और हरविंदर कल्याण से अपील की गई कि वह 10 मार्च को विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ वोट करें और किसानों के हितों की रक्षा करें। इस अवसर पर जगबीर सिंह व अन्य नेताओं ने कहा कि वह इसलिए वोट मांगने आए हैं क्योंकि घरौंडा की जनता ने उसको वोट देकर जिताया है, इसलिए उनका हक बनता है कि वह किसानों के हित में सरकार के खिलाफ वोट करें, क्योंकि वह किसान नेता हैं। उनके पिताजी भी काफी लंबे समय से किसानों की राजनीति करते आ रहे थे, इसलिए उनको किसानों के समर्थन में आकर सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह किसानों के हित में वोट डालते हैं तो आगामी दिनों में उनको घरौंडा की जनता जिताने में अहम भूमिका निभाएगी, और अगर वह किसानों के हितों की रक्षा करते हुए सरकार के पक्ष में वोट नहीं डालते हैं तो आने वाले समय में सभी विधायकों का गांव से एवं हल्के से बहिष्कार किया जाएगा और किसी भी विधायक को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जेजेपी, बीजेपी और आजाद विधायकों से अनुरोध किया कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 नए कानून जो कि किसान विरोधी हैं, इसलिए किसानों की बात को विधानसभा में उठाकर सरकार के खिलाफ वोट करें और जनता का प्यार, भरोसा और विश्वास जीतने में अहम भूमिका अदा करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी जनता की वोट से वह विधायक बनेंगे। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल हरविंदर कल्याण के निवास पर तैनात रहा। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण के निवास की, जहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता कह रहे हैं कि इस विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें बीजेपी, जेजेपी और आज़ाद विधायक सरकार के खिलाफ वोट करें ताकि किसान आंदोलन को समर्थन मिल सके। उसी बात का अनुरोध करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता आज यहाँ घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण के निवास पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में अपने बेटे पर वोट मांगना। मैं किसान हूँ, उसका ताऊ हूँ और वोट मांग रहा कल के लिए। कल के लिए हमारे को वोट दे बेटा। हाँ, इस वास्ता है बेटा, हम भी मांग नहीं सका अपने बेटे पर। उसकी मर्जी। तो आपको लगता है वोट मिलेगी बेटे? भगवान पर विश्वास है बेटा। सीट है और आज वही किसान जिनसे कुछ समय पहले इन्होंने वोट मांगे थे, आज वो अपनी वोट मांगने आए भी आप सरकार के खिलाफ वोट करो और किसानों के हक में खड़े हो। ये आखिरी मौका है, नहीं तो उसके बाद इन सभी विधायकों का सामाजिक और राजनीति बहिष्कार इससे भी कड़ा होने वाला है। किसी तरीके के किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाएगा, ना राजनीति पूरा बहिष्कार किया जाएगा। आज जो कल है विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, उस पर वोट मांगने के लिए आया ये विधायक सरकार के खिलाफ वोटिंग करे, किसानों के हक में खड़े हो। तो ये आखिरी मौका है सभी विधायकों के पास, इस पर ध्यान दें। तो आप देख रहे थे ये तस्वीरें, भारतीय किसान यूनियन के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं हरविंदर कल्याण के निवास पर। हरविंदर कल्याण से यह अनुरोध करने पहुँचे हैं कि वह इस अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट करें और किसान आंदोलन को समर्थन करें। इसी मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के लोग हरविंदर कल्याण के निवास पर अपील करने के लिए पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।